दोस्तों, एवोल्यूशन होने के साथ साथ धरती पर से बहुत से स्पीसीज समय के साथ गायब होती जा रही हैं। लेकिन इन गायब होती हुई स्पीसीज में कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जिनका आज कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यानी कि उनके जैसी अद्भुत और अनोखी स्पीसीज धरती पर फिर कभी देखी ही नहीं गई। आज इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही अनोखे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप ताज्जुब करेंगे, और वे अब धरती से विलुप्त हो चुके हैं। इस बात से आपको काफी बुरा भी लगेगा, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, स्माइलोडोन। स्माइलोडोन फील्ड फैमिली के विलुप्त मैचेरोडोनट सब फैमिली की एक प्रजाति है। यह अपने समय का सबसे पॉपुलर मैमल था, जो कि आमतौर पर सबर टूथेड टाइगर के नाम से जाना जाता था। स्माइलोडोन के बड़े आकार और नुकीले और बड़े दांतों को देखकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते थे। इसके अलावा इनके जाव का आकार भी आज भी सभी बड़ी बिल्लियों से बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था। अपने इन्हीं सब गुणों की वजह से यह अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था। पर अफसोस, यह खतरनाक शिकारी भी धीरे धीरे हिमयुग के अंत में धरती से गायब हो गए। नंबर 9, पेंटेकॉप्टेरोस डोकोरेहेनसिस। दोस्तों, छोटे से स्कॉर्पियन को देखकर ही कुछ लोगों की जान निकल जाती है। जबकि स्कॉर्पियन आकार में ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो सोचिए क्या होगा जब आपके सामने एक 5 फीट का स्कॉर्पियन आ जाए। क्यों, सोचकर ही डर गए ना? पर दोस्तों, आज तो नहीं, लेकिन अगर आप 45 लाख साल पहले होते तो शायद आप इस 5 फीट बड़े स्कॉर्पियन को भी देख सकते थे। पर हाल ही में 2015 में हमारे रिसर्चर्स ने इस विशाल जीव के कंकाल को खोज निकाला है, और आज के लोगों को इस विलुप्त जीव के बारे में बताने के लिए इसका एक रिप्लिका तैयार किया गया है, जिसे नेशनल ज्योग्राफिक्स स्ट्रेंज ट्रूथ प्रोग्राम में भी दिखाया गया था। नंबर 8, हल्लू सिगेनिया 40। स्क्रीन पर दिख रहा यह जीव अपने विचित्र बनावट के लिए आज भी मशहूर है। हल्लू सिगेनिया 40 कैम्ब्रियन एनिमल्स की एक प्रजाति थी, जिसका अपीयरेंस बिल्कुल वॉर्म्स जैसा ही था। आज भी इस जीव के कई फॉसिल्स कनाडा और चीन में रिसर्चर्स द्वारा खोजे जाते हैं। वीडियो में दिख रहे इस हेलुसिगेनिया 40 के शरीर पर नीचे से लेग्स जैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिसके सहारे ये चल रहा है, और शरीर के ऊपर नुकीले स्पाइंस जिससे शायद ये अपना बचाव करता होगा। नंबर 7, गिंगा टोपीथेकस। हजारों साल पहले एशिया के जंगलों में आज के मॉडर्न एप्स के एंसेस्टर्स गिंगा टोपीथेकस पाए जाते थे, जो कि 10 फीट से भी ज्यादा विशाल हुआ करते थे। वैसे तो इनका विशाल शरीर देखकर विश्वास ही नहीं होता कि यह प्योर वेजिटेरियन होते होंगे, पर सच्चाई तो यही है कि यह अपना गुजारा सिर्फ जंगलों के फल और पत्तियां खाकर ही करते थे। इनका आर्म स्पैन लगभग 12 फीट बड़ा था, यानी कि अगर ये चाहे तो 2 बाघों को एक साथ हग कर सकते हैं। नंबर 6, हार्पोगर्नस मूरी। ये विलुप्त पक्षी हैट ईगल के नाम से भी जाना जाता था, पर अफसोस, साउदर्न न्यूजीलैंड में रहने वाले पॉलिनेशिया के लोगों ने इनसे पता नहीं किस बात का बदला लिया कि इन्हें वहां से गायब ही कर दिया, और धीरे धीरे 500 साल पहले ये पूरी धरती से ही गायब हो गए। माना जाता है कि ये विलुप्त होने वाली सबसे बड़ी ईगल है, जिनका वजन लगभग 15 किलोग्राम हुआ करता था, और इनका आकार भी दूसरे पक्षियों से काफी बड़ा था, और अपने बड़े आकार की वजह से ये बहुत बड़े जानवरों का शिकार भी आसानी से कर लिया करते थे। नंबर 5, पेब्रोमिस पैटरसन। दोस्तों, अगर आपको घर में आने वाले मासूम चूहे पसंद नहीं है तो फिर फेब्रोमिस पैटरसन से तो आप बिल्कुल नफरत ही करेंगे, क्योंकि ये आपके पैरों के नीचे आकर मर जाने वाले चूहे नहीं, बल्कि ये आपको अपने पैरों से दबाकर आपका कचुंबर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका आकार एक बैल जितना बड़ा होता है, और इनकी पूंछ भी बहुत लंबी और मजबूत होती है। यानी कि अगर ये 10 फीट लंबे हैं तो इनकी पूंछ भी लगभग 5 फीट तक लंबी होगी। पर इनके आकार को देखकर आप ये मत समझना कि ये कोई मांसाहारी शिकारी है, क्योंकि यह पूरी तरह से हर्बीवोर एनिमल है, और इनके इंसाइसेस भी काफी लंबे होते हैं। ये विशाल जानवर लगभग 80 लाख साल पहले तक
एरिनो को नदी में रहा करते थे, पर अफसोस हम में से कोई भी इन जानवरों को नहीं देख पाया और ना अब हम कभी देख पाएंगे। नंबर 4, एनोमालोकैरस। दोस्तों, जब भी एपेक्स प्रीडिएटर की बात होती है, सबसे पहले जंगल की बड़ी बिल्लियों और किलर शार्क का नाम आता है। पर अगर यही सवाल आपसे लाखों साल पहले पूछा जाता तो सबसे पहले आपके मुंह में एनोमालोकैरस का ही नाम आता, क्योंकि उसका आकार देखकर इस विशाल शिकारी का कोई और दुश्मन नहीं हो सकता। दोस्तों, एनोमालोकैरस का शरीर 6 फीट लंबा होता है, जिसमें बहुत से टेंटिकल्स भी मौजूद होते हैं और इनकी पूरी लंबाई पर दांत लगे होते हैं। और वो तो अच्छा हुआ कि ये जानवर विलुप्त हो गए, वरना बीचेस पर जाने के बाद लोगों का वापस आना नामुमकिन हो जाता। नंबर 3, टिटानोकोरस गैंस। हाल ही में रिसर्च में 500 मिलियन साल पहले विलुप्त हुए टिटानोकोरस गैंस के कुछ निशान देखने को मिले हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली स्पीसीज नहीं है, बल्कि उस समय समुद्र में पाई जाने वाली सबसे बड़ी स्पीसीज थी और रिसर्चर्स के मुताबिक कैम्ब्रियन पीरियड में पाई जाने वाली अभी तक की खोजी हुई सबसे बड़ी स्पीसीज है। रिसर्चर्स बताते हैं कि इसके शरीर पर स्पाइनी क्लाव्स के अलावा कुछ फ्लैप्स भी मौजूद हैं, जो कि इन्हें बेहतर स्विमर बनाते हैं। नंबर 2, पोरोसवाई विडेई। 20 लाख साल पहले तक यह पक्षी अमेरिका में रहा करता था। दूसरे पक्षी के मुकाबले इनका आकार बहुत बड़ा, लगभग 10 फीट बड़ा था और शरीर की तरह ही इनकी चोंच भी काफी बड़ी और मजबूत थी। यह अपनी चोंच से किसी भी बड़े प्रीडेटर को पकड़कर उसका शिकार कर लेता था। उस समय का कोई भी जानवर इस पक्षी से पंगा लेने का सोचता भी नहीं होगा, और अगर गलती से कोई जानवर इसके लपेटे में आ गया तो फिर उसकी खैर नहीं। हालांकि ये पक्षी अपने बड़े आकार और ज्यादा बोन डेंसिटी के होने की वजह से उड़ नहीं सकते थे, पर इनका ना उड़ पाना इन्हें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली बनाता था। पर अफसोस, ये विशाल और शक्तिशाली पक्षी जिसका सामना करने से हर कोई कतराता था, लाखों साल पहले वह अब इस धरती से विलुप्त हो गया। नंबर 1, डेनोसुचूस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रोकोडाइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक शिकारी होते हैं, जो कभी कभी बड़ी बिल्लियों का शिकार भी कर लेते हैं। इनके मजबूत जाव से किसी भी जानवर का बच पाना लगभग नामुमकिन है, पर क्रोकोडाइल इतने शक्तिशाली और जानलेवा अभी से नहीं है, बल्कि लाखों साल पहले यह और खतरनाक हुआ करते थे, जो कि डायनासोर्स को भी अपना शिकार बना लेते थे। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले रिसर्चर्स को डायनासोर्स के समय पाए जाने वाले डायनासुचूस के फॉसिल्स मिले हैं, जिसमें डायनासुचूस के दांतों के निशान साफ समझ आ रहे थे। दोस्तों, डायनासुचूस नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाली एक प्रजाति है, जो कि लगभग 35 फीट लंबे हुआ करते थे। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज ये विशाल शिकारी, जो कि आकार में हम इंसानों से लगभग 6 गुना ज्यादा बड़ा है, अगर ये आज भी धरती पर होता तो हर साल कितने ही जानवर और इंसान इसका शिकार बनकर मर जाते, क्योंकि जिस शिकारी ने इतने बड़े बड़े डायनासोर्स को अपना शिकार बनाने से नहीं छोड़ा, वह हम इंसानों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।